हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कारपेट्स के बारे में। कारपेट्स किसी भी होम डेकोर को बहुत ही इजीली वार्मथ और वाइब्रेंसी प्रोवाइड करते हैं। कारपेट्स होम डेकोर में बहुत लंबे टाइम से यूज होते आ रहे हैं। मार्केट्स में कारपेट्स अलग अलग तरह का स्टाइल, पैटर्न और कलर्स में अवेलेबल है। मॉडर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक सभी तरह के पैटर्न आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कारपेट्स में अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे ऊन, रेशम, कॉटन और सिंथेटिक फाइबर्स आदि, और कई तरह के तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी बुनावट के लिए। जैसे कुछ कारपेट्स में गांठें लगाई जाती हैं तो कुछ गुच्छों की हेल्प से बनाए जाते हैं, यानी टफ्ट होते हैं। मैं हूँ आर्किटेक्ट अनीता खरखोदी, और कारपेट्स पर आगे बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो इजीली मिलती रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कारपेट्स को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, कुछ में गांठें लगाई जाती हैं और कुछ में गुच्छे बनाए जाते हैं। तो हर एक स्क्वायर इंच में कितनी गांठें या गुच्छे बनाए गए हैं, इस बात पर कारपेट की ड्यूरेबिलिटी और इसकी डेंसिटी डिपेंड करती है। बात करते हैं कारपेट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। हैंडमेड टफ्ड वुलन कारपेट्स, ये कारपेट्स ऊन के गुच्छों से बनाए जाते हैं। इसके लिए टफ्टिंग गन की हेल्प ली जाती है। हाथ लगाने पर काफी सॉफ्ट और थिक महसूस होते हैं। इन कारपेट्स में काफी तरह के पैटर्न और डिजाइन अवेलेबल हैं। ये सभी तरह के इंटीरियर जैसे मॉडर्न और ट्रेडिशनल में सुटेबल रहते हैं। इनके डिजाइन और पैटर्न काफी आई कैचिंग होते हैं। ये कारपेट्स आपके इंटीरियर को वार्मथ और कोजी लुक प्रोवाइड करेंगे। ये काफी पसंद किए जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और इनकी प्राइस रेंज 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में मिल सकती है। ये किसी भी बेडरूम और लिविंग रूम के लिए काफी सुटेबल हो सकते हैं। हैंड नॉटेड वुलन कारपेट्स, ये कारपेट्स अपनी बढ़िया क्राफ्टमैनशिप की वजह से बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ही मुलायम और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनकी चमक और ब्यूटी काफ़ी लंबे समय तक फीकी नहीं पड़ती और इसलिए काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये कारपेट्स इजीली कहीं भी सेटल हो सकते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है। इन कारपेट्स में 50 से लेके 107 नॉट्स पर इंच तो जनरली अवेलेबल होती ही है, लेकिन अगर और फाइन क्वालिटी आप चाहते हैं तो 400 गांठें पर इंच भी अवेलेबल है मार्केट में। और हर स्क्वायर इंच में कितनी गांठें लगाई गई हैं, इस बात पर किसी भी कारपेट की ड्यूरेबिलिटी और एज डिपेंड करती है। एक स्क्वायर इंच में इतनी ज़्यादा गांठें लगाने की वजह से इन कारपेट्स को बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। मान लीजिए एक 9 फीट बाय 12 फीट का कारपेट रफली 1 साल लग जाएगा इसको बनाने में। पर्सन कारपेट्स की तरह ही ये कारपेट भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हैंडओवर किए जाते हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। जनरली ये कारपेट्स 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके 900 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हैंडमेड वुलन दरीज, ये कारपेट बाकी कारपेट की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन सुंदरता में और लुक वाइज बिल्कुल भी कमतर नहीं होते। इन कारपेट्स को आप किसी भी रूम में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फॉर्मल ड्राइंग रूम में भी इन दरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्कनीज में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये आपके इंटीरियर में कलर्स को ऐड करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही बहुत सस्ते भी होते हैं। 20 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 90 रुपये पर स्क्वायर फीट तक इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये दरिया एक अच्छे फ्लोर कवरिंग के रूप में काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप अपनी फ्लोरिंग को एक बजट फ्रेंडली मेकओवर देना चाहते हैं तो आपके लिए ये दरिया बेस्ट सुटेबल रहेंगे। प्योर सिल्क कारपेट्स, ये कारपेट्स अपनी शानदार कारीगरी और सॉफ्टनेस की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। इन कारपेट्स को बनाने के लिए करीब 80% रेशम और 20% कॉटन का यूज किया जाता है। इन कारपेट्स को बनाने में एक स्क्वायर इंच में करीब 400 से लेकर 600 नॉट्स तक लगाए जाते हैं, और नॉट्स की इस इतनी बड़ी क्वांटिटी की वजह से ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
इन कारपेट्स में नेचर से रिलेटेड पैटर्न्स या मोटिफ बनाए जाते हैं। ये कारपेट सबसे महंगे कारपेट्स में काउंट होते हैं। इनकी प्राइस रेंज रफली 600 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक हो सकते हैं। ये कारपेट्स आपके इंटीरियर को एक बहुत ही लग्जीरियस लुक प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही वार्म्थ और कलरफुलनेस को भी बढ़ाएंगे। सिंथेटिक कारपेट्स, इन कारपेट्स को बनाने में किसी भी नेचुरल मटेरियल जैसे रेशम, कॉटन, ऊन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मैनमेड मटेरियल जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि का यूज किया जाता है। इन कारपेट्स में बाकी कारपेट्स के मुकाबले में एक खूबी होती है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी दाग धब्बे इजीली नहीं पड़ते। इन कारपेट्स को मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है और साथ ही फेडअप भी जल्दी नहीं होते। इन कारपेट्स में काफ़ी अलग अलग तरह के पैटर्न, डिज़ाइन और कलर्स अवेलेबल हैं। आप अपने होम डेकोर की कलर स्कीम के अकॉर्डिंग बहुत इजीली इन कारपेट्स को चूज कर सकते हैं। जनरली सिंथेटिक कारपेट्स आपको 25 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 120 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपने होम डेकोर के लिए कारपेट चूज करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी टाइप का कारपेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन कारपेट्स को खरीदने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा कारपेट टाइप अपने इंटीरियर में ऐड करना चाहेंगे, और साथ ही कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।